आरएसएस वाले तो कट्टर होते हैं सर, कैसे जो है बुद्ध को पढ़ लिए, कैसे चले आए? हाँ, जब मैंने रामचरित मानस को पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रबल पाखंडमय मंडल कुल देखी दिन्द्र कृत अखि कर्म जालंग शुद्ध बुद्धि एक धन ज्ञान गुणधाम अज बुद्ध भगवान बंद्र कृपाल। आरएसएस हिंदुत्व की बात करती है, देश भर में लगातार जो है दलितों की हत्या हो रही है, चाहे रोया कांड हो, चाहे जालौर कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे आरएसएस कहीं नहीं दिखती है। और वहाँ जो है बिल्किसवानों के बलात्कार का जो घटना होता है उसको सजा होती है, उसको कहते हैं संस्कारी ब्राह्मण थे, क्या इनका यही संस्कार है, क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में संस्कार है, बेटियों को क्या बलात्कार करना संस्कार है? तो इस तरह के जो है संस्कार हैं, ये जो है असंस्कारिक पार्टी है, यहाँ इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ बोलिए। लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो सोचते हैं चमारा ही होगा, बौद्ध का नाम लेते हैं सोचते हैं मौर्य होगा, जो जिस जाति का महापुरुष का नाम लेता है उसी जाति को उसको परोस देते हैं। तमाम बहुजन समाज के लोग जो युवा पीढ़ी है वो आरएसएस के बारे में बिल्कुल ना जानती है, बस आरएसएस नाम जानती है। आरएसएस में क्या सिखाया जाता है, आरएसएस में क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यह जो राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है, राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है और इसने जो भारत जलाओ पार्टी बनाई है, इससे पूरे देश का बहुत भारत जलाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी सर नहीं, भारत जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, बहुन जलाओ पार्टी, बहुजन जुल्मी पार्टी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, बड़ी बात बोल रहे हैं सर, अरे देशद्रोही कर देंगे। अरे देशद्रोही कैसे, सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं जो अन्न जलाते हैं, घी जलाते हैं, इस देश की नदियों को बर्बाद करते हैं, पूरे देश को पाखंड फैलाते हैं, लाखों करोड़ों दिए जलाते हैं, भारत के तमाम चीजों को नुकसान करते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक। इस समय मैं लखनऊ में उपस्थित हूं, हमारे साथ में बौद्ध अनुयायी हैं, ये 14 वर्ष 18 वर्ष के पहले आरएसएस में थे, आरएसएस से निकलकर अब 35 साल से जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में जुटे हैं, इन्हीं से जानते हैं कैसे कब बदलाव हुआ, क्या कारण रहा बदलाव का। सर देखिए, जब 14 साल की बात करते हैं आप, तो संघ से जुड़ा हुआ था, शिवसेना से जुड़ा हुआ था, 18 साल की अवस्था में मैं कई महीने जेल में रहा, हमारे कई साथी मारे गए, वो पुरानी बातें हैं। मैं हिंदू धर्म के, ब्राह्मणी धर्म के सारे धर्म ग्रंथ, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सारे धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद में तब मैं बौद्ध धर्म की तरफ आया हूँ, और 35 साल से पूरे देश में इसमें। अच्छा, क्या लगा सर जो बौद्ध धर्म की तरफ चले गए? देखिए, भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो धम्म है, बाकी सारे जितने भी हैं संप्रदाय हैं, और भगवान बुद्ध की जो 84,000 उन भगवान बुद्ध की वाणी और भिक्खु संघ की वाणी है उसको आप पढ़ेंगे तो मानव कल्याण के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, और तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो वैज्ञानिक है, तथागत बुद्ध का धम्म जो है वो मानव उपयोगी है, और मैंने इनके भगवान बुद्ध के महामंगल सूत्र हैं या जितनी भी वाणियाँ हैं वो मानव उसको कोई काट नहीं सकता है, वो हमको अच्छा लगा, इसके लिए हम धम्म की तरफ आए। आरएसएस वाले तो कट्टर होते हैं सर, कैसे जो है बुद्ध को पढ़ लिए, कैसे चले आए? हाँ, जब मैंने रामचरित मानस को पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रबल पाखंडमय मंडल कुल देखी दिन्द्र कृत अखि कर्म जालंग शुद्ध बुद्धि एक धन ज्ञान गुणधाम अज बुद्ध भगवान बंद्र कृपाल। इसका अर्थ यह होता है कि इस धरती पर प्रबल पाखंड फैला हुआ और तमाम भगवान बुद्ध पैदा हुए उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, यह मैंने रामचरित मानस में पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में तब मैं मुझे लगा कि भगवान बुद्ध का धम्म सबसे अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जब मैंने वेदों को पढ़ा, ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजेन्द्रम कृतम उरुह यदस्य तदस्य प्रदभ्य असूद्रम जायते, तो मुझे लगा कि ये गलत बात है, कोई मुंह से, कोई हाथ से, कोई पेट से, पांव से नहीं पैदा हुआ है, तमाम ये सब अवैज्ञानिक बातें मुझे जो अच्छी नहीं लगी, और मुझे वैज्ञानिक बातें अच्छी लगी, इसके लिए भगवान बुद्ध के धम्म की तरफ आए। अगर मुख से पैदा होते हैं तो सर स्त्री का कोई काम ही नहीं है? नहीं, ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, इन्होंने तो ऐसे मूर्ख आडंबर बना दिए हैं, कहीं पहाड़ को हवा में चला दिए हैं, कहीं कोई समुंदर को पी गया है, कहीं कोई पता नहीं क्या क्या कर दिया है इन्होंने, कोई सूर्य को खा गया है, दुनिया भर की बातें इन्होंने की, तो ये सब चीज़ें आडंबर और जो विज्ञान विरोधी हैं वो हमको मंजूर नहीं, इसके लिए हम धम्म की तरफ आए। तमाम बहुजन समाज के लोग जो युवा पीढ़ी है वो आरएसएस के बारे में बिल्कुल ना जानती है, बस आरएसएस नाम जानती है। आरएसएस में क्या सिखाया जाता है, आरएसएस में क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यह जो राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है,
इसने सर्वनाश संघ, हाँ राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है, स्वयं संघ, हाँ नहीं नहीं ये इसका राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है और इसने जो भारत जलाओ पार्टी बनाई है इससे पूरे देश का बहुत बड़ा भारत जलाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी सर नहीं भारत जलाओ पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी, बहुन जलाओ पार्टी, बहुजन जुलमी पार्टी, भारतीय जुमलेबाज बड़ी बात बोल रहे हैं सर, अरे देशद्रोही कर देंगे, अरे देशद्रोही कैसे, सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं जो अन्न जलाते हैं, घी जलाते हैं, इस देश की नदियों को बर्बाद करते हैं, इस पूरे देश को पाखंड फैलाते हैं, लाखों करोड़ों दिए जलाते हैं, भारत के तमाम चीज़ों को नुकसान करते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं। देसी घी की बात कर रहे हैं, अभी एक महंत जी थे इलाहाबाद के, उनके जाने के बाद एक साल बाद कमरा खुलता है तो 10 क्विंटल घी मिलता है। देखिए अभी 20 दिन के बाद में इस देश में एक त्यौहार आने वाला है जिसको हम दीपावली होते ही, हालांकि ये दीपावली त्यौहार जो है ये बौद्धों में दीपदान महोत्सव था, अब बताइए इस दीपावली के त्यौहार में अगर 50 करोड़ हिंदू परिवार अगर 1 लीटर तेल घी जलाते हैं, यानी 200 रुपये का एक परिवार तेल घी जलाता है, यानी एक दिन में 10 लाख करोड़ का तेल घी इन्होंने बर्न कर दिया, बताइए देश की कितनी बड़ी संपत्ति को नुकसान कर दिया इन्होंने। तो ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, धर्मों को इन्होंने पाखंड फैलाकर धर्म का नुकसान किया है। हमारा जो भगवान बुद्ध का धर्म जो है ये प्राकृतिक धर्म है, ये सनातन धर्म है, तथागत बुद्ध की वाणी है, ऐसे धर्मों सनातनों इसको इन्होंने एक वैदिक धर्म, इन्होंने जो ब्राह्मणी धर्म बनाया है उसको इन्होंने बड़ा नुकसान किया है। हमारे यहाँ की जो प्राकृतिक धर्म है, इस देश में हम वृक्षों की हम पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, उसको जल देते हैं, सूर्य को नमन करते हैं, नदियों को हम स्वच्छ रखते हैं, इन्होंने सारा उल्टा काम किया है, इसके लिए राष्ट्रद्रोही ये लोग हैं। सर आपने बताया नहीं बिल्कुल, आरएसएस में क्या सिखाया जाता है, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या युवाओं को बिगाड़ा जाता है? देखिए वो मैंने राष्ट्रीय सर्वनाश संघ की बात किया जो भारत की अनरजिस्टर्ड संस्था है और इस देश को जो है वो एक मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, इस देश की वर्ण व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, इस देश में जो पाखंडवाद को फैलाना चाहते हैं, इस देश में ब्राह्मणवाद को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश में जो बहुजनों की जितनी संपत्ति है उसको बेचना चाहते हैं, इस देश के जितने भी आज जो हैं बाबा साहब के बनाई हुई जितनी जो इसके पहले के जो लोग बनाई हुई संपदा है उसको बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा देशद्रोह का काम और क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय यस राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, इसीलिए हमने फिर से कहा कि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है, बहुजन जुलमी पार्टी है, यह बहुत ही जुलमेबाज पार्टी है और यह जो है बेटी जलाओ पार्टी है। देखिए बलात्कार होता है, इनके जितने भी सारे लोग हैं बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके पक्ष में, अब जैसे गुजरात की बात है, क्या बिल्किस बानो को वो किसी जाति धर्म से देखा जा रहा है? और वहाँ जो है बिल्किस बानो के बलात्कार का जो घटना होता है उसको सजा होती है और उसको कहते हैं संस्कारिक ब्राह्मण थे, क्या इनका यही संस्कार है? क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में संस्कार है बेटियों को क्या बलात्कार करना संस्कार है? तो इस तरह के जो है संस्कार हैं, ये जो है असंस्कारिक पार्टी है, यहाँ इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। एक मूर्ख आदमी होगा कहीं बोल दिया होगा, इसका मतलब यह नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे, मैं तो चारों वेद पढ़ा हूँ, हिंदू धर्म की सारी किताबों को पढ़ा हूँ मैं, इस्लाम की एक एक आयत पारासूरा पढ़ा हूँ मैं भगवान बुद्ध के धर्म को पढ़ा हूँ मैं क्रिश्चियन बाइबल को पढ़ा हूँ, तौरेत जबूर इंजल सारी धार्मिक किताबों को पढ़ा हूँ मैं जीवन में पूरा अध्ययन किया हूँ। इस्लाम जो है वो शांति का नाम है, इस्लाम की एक एक आयतों में देखेंगे उसमें मानवता की बातें होती हैं, तो ये वो चीज़ें इनमें नहीं है, ये सबसे इनका जो है ना ये वर्णवादी व्यवस्था के पूरक हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि त्रावणकोर की जो घटना थी, त्रावणकोर जो दक्षिण भारत में मद्रास की घटना, बताइए जब इनका राज आया था तो बहुजन समाज की बेटियां उनके स्तन पर इन्होंने टैक्स रखा था कि मनुष्यों के सर के ऊपर जो है अगर कोई पगड़ी बांधता है तो टैक्स दे और बहुजन समाज की बेटियां अगर वो अपना स्तन टैक्स दें, जो नहीं टैक्स दे वो खुले में जावे। इतनी गंदी संस्कार इनका, बताइए इनके सारे किताबों में पढ़ोगे तो पूरा बलात्कारियों से पूरा परिपूर्ण भरा हुआ है, इसके लिए हमें घिन आती है ऐसे संस्कार। आरएसएस पर खुलेआम आपका हमला है, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या होगा सर? देखिए वो जो रेशियो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है तो उनके राष्ट्र की बातें होंगी, आरएसएस का फुल फॉर्म तो रेशियल सीक्रेट सर्विस भी हो। हाँ है ना, वो है, वो उन्हीं के समाज के लिए, इसके लिए इनका जो परिधि है, इनमें आज तक देखिए जितने भी लोग हैं सब फॉरवर्ड लोग ही इसके चीफ बने हैं, कभी इसके जो है बहुजन समाज का एक भी कोई बना है क्या? आज तक नहीं बना है। और जाने दीजिए ना, ये तो स्त्री द्रोही इनका कल्चर है, किसी स्त्रियों को भी इन्होंने अछूत माना है, कोई स्त्री जो है कहीं भी आज तक जो है इनके स्थान में कहीं उसका कोई स्थान ही नहीं है।
भले राष्ट्रपति बना दिया हो, वो झाड़ू मारती है मंदिर में, एक जो है रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया, वो लाचार और बड़ा जहाँ जाता था मंदिर में उसको धक्के देकर निकाल देते थे। तो वही कल्चर इनको देश को बताना है, देखो बहुजनों तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारे राष्ट्रपति भी जो है इस तरह से रहते हैं, उस तरह से तुम रहो, वही दिखाना चाहते हैं इस देश को। उद्देश्य हमारा उद्देश्य सम्राट अशोक का जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य यहाँ के सम्राट अकबर का उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य जो शिक्षण सम्राट बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य मान्यवर काशीराम का उद्देश्य है, बहुजन का भारत हो, इस भारत में जो है पाखंड और अंधश्रद्धा मुक्त भारत हो, यह जो है मानव से मानव के शोषण के विरुद्ध का भारत हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है आज से 2000 साल पहले भारत जो सोनिए की चिड़िया थी उस तरह से हमारा भारत हो। यह अभी मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, हमने जो देखा है हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड स्विट्जरलैंड नीदरलैंड, हमारे यहाँ के लोग जितने भी ये जिस तरह से हम हिंदूवादी लोग बोलते हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ का पैसा वहीं रखते हैं, लेकिन हमारा जितना ये मुस्लिम कंट्रीज है वो अरबिस्तान तुर्किस्तान कजाकिस्तान इराकिस्तान तुर्क बलूचिस्तान जितने भी यहाँ के मुस्लिम लोग जाते हैं वहाँ उनके बच्चे यहाँ से पैसा भेजते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा विदेशी मुद्रा अगर है तो हमारे मुस्लिम भाइयों से यहाँ लाता है, कैसे देशद्रोही हो सकते हैं वो, उनको जगह जगह उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको हर जगह अपमानित किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है हमारे इस देश का जो मूल निवासी है ST SC OBC भारत के मूल निवासी, हमारा ये नारा है और हम ये चाहते हैं कि पिछड़ा दलित मुसलमान मिलकर बदलो हिंदुस्तान, फिर से भगवान बुद्ध के धाम पे हमारा देश चलना चाहिए। RSS हिंदुत्व की बात करती है, देश भर में लगातार जो है दलितों की हत्या हो रही है, चाहे रोया कांड हो, चाहे जालौर कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे RSS कहीं नहीं दिखती है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने खुद कहा था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो हिंदू के नाम पे क्यों मूर्ख बनाए जा रहे हैं वो, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, वो ब्राह्मणवादी एक व्यवस्था उनकी है, वो मूर्ख बना रहे हैं। और जहाँ तक प्रश्न जो है इस देश में जो एक बच्चा बताइए, एक इंद्र नाम का एक बच्चा, उसको हमारे जो नर इंद्र हैं, नर इंद्र दामोदर दास, नर इंद्र नरों में इंद्र और दामोदर के दास, जो दामोदर बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी के दास हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के उनको जो एक कोई दूसरा होता है उस पर ट्वीट करते हैं, बताइए इतनी बड़ी एक बच्चे को जो पानी पी रहा है उसको मारा जा रहा है, शर्म है इस देश को, तू है ऐसी इस देश की व्यवस्था को प्रधानमंत्री हमारा एक शब्द नहीं बोल रहा है, मुझे अफसोस है उस नरेंद्र दामोदर के दास मोदी के ऊपर। तो ये हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और पूरा देश बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हमारा यादव समाज है, हमारा कुर्मी समाज है, हमारा मौर्य शाक्य सैनी समाज है, हमारा ST SC, हमारे जो अम्बेडकरी समाज जो ऑलरेडी पहले से परिवर्तित है, और जो हमारा जो है बहुजन समाज जो 85% 90% पूरे भारत में। हाँ बोलिए। लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो सोचते हैं चमारा ही होगा, बौद्ध का नाम लेते हैं सोचते हैं मौर्य होगा, जो जिस जाति का महापुरुष का नाम लेता है उसी जात को उसको परोस देते हैं, क्या ये तो देखिए ये परोसने वाली बात, तो जो वर्ण व्यवस्था बनाए वो परोसते हैं, उनके पास तो बड़ी बढ़िया उनका एंटीना है, बड़ा अच्छा काम है, वो घुमा करके इस तरह से व्यवस्था कर देते हैं। कोई भी बैकवर्ड रहेगा तो वो हैं पंडित जी हैं बाबू साहब हैं, बैकवर्ड रहेगा बोलेंगे चमार हैं कोहरी हैं धोबी हैं दरकियार हैं, बाँट देते हैं, तो बाँटने का तो उनका काम ही है ना, तो बांट रहे हैं। हमारा बहुजन समाज अब स्टैंड हो रहा है, समझ रहा है, अब नहीं बटेगा वो, अब धीरे धीरे हम जो है पूरे देश में हम 5 सूत्री कार्यक्रम, हमारे खुद की बैंक हो, हमारे खुद के मॉल हो, हमारे खुद के बिजनेस हो, हमारे खुद के स्कूल कॉलेज हो, उस पर हमारा काम चल रहा है। हम तो बैंक खुला है सर, क्या नाम है बैंक का? नहीं अभी हम उस पर नहीं बोलेंगे, वो हम चाहते हैं कि हमारा एक नारा है कि अपना वोट अपनों को, अपना नोट अपनों को, हमारा एक नारा है। और हमारे जो बहुजन समाज आपस में शादी ब्याह शुरू कर दिए हैं, जाति तोड़ो वर्ण तोड़ो फिर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो का अभियान कर रहे हैं, क्या भारत जोड़ो, अरे पहले जाति तोड़ो वर्ण फिर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो ऐसा होना चाहिए। तो हमारा वह भी एक अभियान है, हम बहुत ही जल्दी पूरे भारत के जितने भी मॉनेस्ट्रीज हैं उसकी जनगणना करके हम महासंघ स्थापित करने जा रहे हैं, और इस तरह से हमारे 5 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश में हम उसको लागू कर रहे हैं और हमारा काम शुरू हो गया। आपका परिचय क्या है सर, नाम क्या है, क्या करते हैं? मैं प्रकाश हूँ, एडवोकेट प्रकाश, मैं एक इतिहासकार भी हूँ और मेरा 35 साल से धर्म का काम है, मैं एक वकील हूँ, पूरा परिवार हमारा वकील है, मेरी वाइफ वकील है, हमारा बेटा वकील है, हमारी बहू वकील है, और हम वकालत तो नहीं करते हैं लेकिन ये पूरे देश में समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जब हम काले कपड़े पहनते थे, काला कोट पहनते थे, काले कोट का उद्देश्य यही होता था कि जुल्म के खिलाफ में हम आवाज़ उठाएँ, और हम देख रहे हैं कोट से ज़्यादा जो है समाज में जुल्म हो रहा है, इसके लिए पूरे भारत में हम जो है पूरे भारत में हमारे बहुजन समाज की हम वकालत कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ने काम कर रहे हैं, जो काम बाबा साहब ने किया है, जो
काम मान्य और काशीराम ने किया है, जो काम जगदेव बाबू ने किया है, जो काम रामस्वरूप वर्मा जी ने किया है, वही काम हम लोग उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बुद्ध का विचार जो होता है इतना प्रेरित करता है अपनी तरफ कि आरएसएस वाले भी जो है बुद्ध के धम्म में चले आए हैं। 35 साल की उम्र से जो है 35 साल हो गया इनको धम्म का प्रचार करते हुए। धन्यवाद।